तो ये सारा फारसी में लिखा हुआ है, तो मेरे को मेरे कोच का नंबर पता नहीं है, तो पूछना पड़ रहा है यहाँ पे कि ईरान में अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे लेडीज और जेंट्स साथ में ट्रैवल नहीं करते हैं, चाहे वो आपकी बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ हो, बहन हो। फारसी नो, हिंदी, हिंद, इत्तेफाक में आवश्यक है, शाहरुख खान, सलमान खान, यस। तो अभी मैं बंदर अब्बास में हूँ और जा रहा हूँ कैश्म आइलैंड। तो ये है जेटी नंबर 8। सलाम सलाम। ये सेल्फी वहाँ पे गिरे, सेल्फी। फारसी म्यूजिक अल्टीमेट, आली आली आली, परफेक्ट। अभी जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, टाइम हो चुका है ट्रेन पकड़ने का यहाँ से बंदर आवास के लिए। तो एक बार मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा, फिर आपको बताता हूँ कि मैंने टिकट कितने में लिया था और कशान में मैंने टिकट लिया था कैसे लिया था और आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए टिकट लेने के लिए। नेम, नाम, मोहम्मद जावाद शाहबाजी। मोहम्मद जावाद शाहबाजी। ईरान आली, यस, याज आली, फारसी म्यूजिक आली। आली मतलब जबरदस्त यहाँ पे फारसी में। तो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, इमाशी लुलु खोर खोर है। तो मैं 6 किलोमीटर के लिए तकरीबन 50 रुपए पे कर रहा हूँ मैं स्नैप में, इंडियन 50 रुपए, जो 24,000 तुमान आता है। तो बहुत ही सस्ता है यहाँ का, तो टैक्सी वाला सीन तो बहुत। पहुंच गया हूँ रेलवे स्टेशन, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है और थैंक यू खेली ममनून। बहुत अच्छा। तो मेरी ट्रेन आ चुकी है और अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मेरा कोच है, क्योंकि मेरे टिकट में सारा फारसी में लिखा हुआ है। तो ये सारा फारसी में लिखा हुआ है, तो मेरे को मेरे कोच का नंबर पता नहीं है, तो पूछना पड़ रहा है यहाँ पे। सलाम, बंदर अब्बास, यस, थैंक यू। दिस वन सीट नंबर 2, थैंक यू। Which one I should take? Middle one? Okay, thank you. तो मैं ट्रेन के अंदर हूँ और आपको बताता हूँ टिकट का क्या है। तो ये टिकट जो है मैंने करमान रेलवे स्टेशन से लिया था और इसका मैंने 410 रुपये पे किया है इस टिकट का, याज से बंदर अब्बास, पर कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये फारसी लिखा हुआ है, सिर्फ मेरा नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आशीष जायसवाल। तो 450 रुपये का टिकट है और बाहर ये प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे भी वियतनाम की तरह ही है, आपको प्लेटफॉर्म में तभी जाने को मिलेगा जब ट्रेन आ जाएगी, उसके पहले आपको प्लेटफॉर्म जाने नहीं दिया जाएगा। ओके, सलाम। दूरबीन, सलाम, फोटो। तो ट्रेन निकल चुकी है और ये मेरा बर्थ है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको कैबिन दिया जाता है और उसे सीट आप चूज करते हो किसमें सोना है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आता है वो ऊपर का सीट चूज करता है, जो लेट से आता है उसको नीचे का मिलता है। तो मैं लेट से आया तो मेरे नीचे का मिला है। खेली ममनून। तो आपने देखा यहाँ पे ट्रेन में बिस्किट दिया गया है, एक जूस दिया गया है एप्पल जूस, और ये एक पानी का बॉटल। तो ये है बर्थ, इंडिया में जैसे 3 टायर होता है वैसे ही है, एक बीच में है, एक नीचे है, लाइट कम है तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, और ऊपर का बर्थ है। तो 6 जन यहाँ पे रह सकते हैं। तो मेरे साथ कुछ और पैसेंजर हैं, तो मोस्ट लाइकली मैं नीचे का बेड में सोऊंगा। और अभी हम लोगों को ये चादर भी दिया गया है, तो तकिया तो नहीं है, बस इसमें बिछाने के लिए चादर दिया गया है सबको। अब ये पता नहीं कि खाना देंगे कि नहीं, खाना देंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि दिन में दिखाऊं यहाँ पे, क्योंकि दिन में लाइट रहेगा तो अच्छे से मैं ट्रेन दिखा सकता हूँ। अभी तो फिलहाल अंधेरा बहुत है, तो और रात के 9:30 बज रहे हैं और ट्रेन 1 घंटा लेट आया यहाँ पे आज।
मर्सी, थैंक यू सो मच। तो अभी ट्रेन में मैं बैठा हुआ था तो मुझे इन्होंने डिनर दिया। एक्चुअली मुझे को डिनर खरीदना था यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि मेरे पास बहुत ज्यादा है, मैंने मना किया, फिर भी जबरदस्ती दे रहे थे। थैंक यू सो मच खेली ममनून फॉर दिस फॉर दिस। तो ईरानियन ट्रेन में खातिरदारी शुरू हो गया है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं और अभी यहाँ पे पांच जन है। सो हॉस्पिटैलिटी बहुत जबरदस्त है। तो इन लोग खा रहे थे तो मेरे को भी इन लोगों ने दिया ये सैंडविच हैमबर्गर फास्ट फूड। तो अब ये है आज का मेरा डिनर। और इंडिया में तो लोग बोलते हैं कि भैया ट्रेन में जब भी कोई कुछ दे तो मत लो, बट यहाँ पे मैं चांस ले सकता हूँ कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, अगर कुछ होगा तो फिर आपको कल्पना चली जाएगा। तो ये है, थैंक यू सो मच। नाम मुस्तफा। यू सैयद मसूद। सलाम। एंड यू नाम मैदी। मैदी को शोले मूवी पता है, बसंती गब्बर और ठाकुर शोले। नाम माय नेम आशीष। आशीष आशीष आशीष। अभी रात के बज रहे हैं 11 और मुझको लग रही है सुसु करने आया हूँ। और ये बाथरूम है ईरान के ट्रेन का। ईरान के ट्रेन का टॉयलेट कुछ इस प्रकार है, इंडियन स्टाइल। और टिश्यू पेपर नहीं है यहाँ पे, छोटा सा बेसिन है जो इंडियन ट्रेन में रहता है, बट अच्छी बात है कि यहाँ पे हैंड वॉश दिया हुआ है। दूसरा दिन और काफ़ी अच्छे सोया हूँ मैं ट्रेन में। रात को थोड़ी बहुत ठंड हो गई थी बट मैंने मैनेज कर लिया था क्योंकि छात्र वगैरह था, तो अच्छा खासा नींद आया। तो ये मेरा पहला रात था पूरे ईरान के ट्रिप में कि मैं ट्रेन में सोया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी का व्यू बहुत अच्छा है, इस तरफ काफ़ी सारे पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। और मैं मिडिल बर्थ में सोया था और यहाँ से 3 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में मंदिर अब्बास। तो अभी दिन की उजाले आपको दिखाता हूँ मैं सोया कहाँ था। तो ये मेरा अपर बर्थ मतलब मिडिल बर्थ है, तो ये था मेरा मिडिल बर्थ, ये है अपर बर्थ और नीचे था लोअर बर्थ। तो अब ये हमारा इंडियन स्टाइल हो गया अभी बैठने के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आधा घंटा लगेगा यहाँ से बंदर अब्बास पहुँचने के लिए। और बंदर अब्बास जो है वो है कैपिटल हॉर्मुज़गंज का। हॉर्मुज़गंज जो है वो स्टेट है साउदर्न ईरान का। और ये डिस्टेंस था 660 किलोमीटर का। और ये जो ट्रीटमेंट है ये इंडिया का AC 3 टायर वाला ट्रीटमेंट है और इस तरफ AC वेंट है। और काफ़ी ठंडा हवा आ रहा था रात को, तो 400 रुपये में 600 किलोमीटर विद AC 100 के आई थिंक बहुत सस्ता है ये ईरान में ट्रेन जर्नी। तो ईरान में अभी तक ट्रांसपोर्टेशन का कोई कंप्लेन नहीं है, चाहे वो बस हो, चाहे वो कैब टैक्सी हो, चाहे वो ट्रेन हो। फ्लाइट तो मैंने यूज़ नहीं किया था बट बहुत सस्ता है, तो 400 रुपये में ज़बरदस्त। और ईरान की ट्रेन की अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने एक डस्टबिन दिया हुआ है, हालांकि डस्टबिन फुल हो गया है, पर एक डस्टबिन दिया हुआ है कि आप कचरा वगैरह जो भी आप फेंक सकते हो। और नीचे में यहाँ पे इंडिया की तरह ही लगेज सिस्टम है, बड़ी है, बहुत छोटा है तो ज़्यादा बड़ा आइटम घुसेगा नहीं। तो इन लोगों ने ऊपर की तरफ दिया हुआ है लगेज रखने का। तो मेरा बैग आप देख सकते हो उस तरफ है, लाल वाला रक्सैक। सलाम, गुड मॉर्निंग। तो यही थे जो रात को मुझे डिनर दिए थे, तो थैंक यू इनको। और ये सारा कंबल वगैरह जो हमें रात को मिला था सपोर्टने के लिए। तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, काफ़ी बंजर है। आई थिंक बहुत कम आपको हरा हरा घास इस तरह का दिखेगा,
और कुछ ऐसा है यार नज़ारा। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे बर्थ के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाया हुआ है इस तरह का, तो आपको ऐसे सीढ़ी में चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। इंडिया में क्या होता है कि आपको बेड के साथ ही पीछे में इस तरफ लगा रहता है, तो यहाँ पे ये जो 6 बेड वाला बर्थ है और इस तरफ जो है क्या कहते हैं पैसेज है, तो इस तरफ कोई भी बर्थ नहीं है। तो ये रास्ता है जो मैं आपको दिखा दूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ बर्थ है और ये सारे हर बर्थ में आपको दरवाज़ा मिलेगा। सलाम, गुड मॉर्निंग। सलाम आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इन ईरान से शुभ खैर, एंड रात को जब आप सोते हो तो शब्बा खैर है, शब्बा खैर गुड नाइट और शुभ खैर गुड मॉर्निंग। तो अभी शुभ खैर हुआ है। तो मुझे ईरान की ट्रेन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना है कि ईरान में अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स साथ में ट्रैवल नहीं करते हैं, चाहे वो आपकी बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ हो, बहन हो, उनके लिए एक अलग सा कंपार्टमेंट बनाया गया है, तो वो उसमें ट्रैवल करते हैं और जेंट्स लोग के लिए अलग कंपार्टमेंट। जैसे मैं अभी हूँ, इस कंपार्टमेंट सिर्फ जेंट्स है और लेडीज़ एक भी नहीं है, तो लेडीज़ के लिए अलग कंपार्टमेंट है और जब आप अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाओगे तभी आप मिल सकते हो। तो कुछ इस तरह का है यहाँ का रूल्स ट्रेन में। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मेरे लिए क्योंकि आदत नहीं है इस तरह का ट्रैवल करने का, तो यहाँ पे ट्रेन में जेंट्स और लेडीज साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। बाय, गुड हाफिज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग पहुँच गए हैं बंदर अब्बास, तो अब 2 मिनट के अंदर ये स्टेशन में एंटर कर लेंगे। तो अभी सब अपना सामान वगैरह निकाल रहे, तो मेरा ऊपर बैग है तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ। तो मैंने अपना बैग नीचे उतार लिया है और कुछ इस तरह का, और यहाँ का ट्रेन में भी कारपेट है यार, मतलब मानना पड़ेगा ट्रेन के पैसेज में भी कारपेट है। और जो पैसेज में बता रहा था तो कुछ इस तरह का पैसेज है, यहाँ पर दरवाज़ा है और इधर से भी आप जा सकते हो दरवाज़ा। तो इस तरफ कोई बर्थ नहीं है, तो बस जो है यही है। काफ़ी सही था जर्नी। अभी यहाँ से मेरे को एक और जगह जाना है, तो अभी बोट लेके कश्मीर आइलैंड जाना है, तो अभी यहाँ से स्टेशन से देखते हैं कैसे जाना है वहाँ पे। तो आज का जर्नी काफ़ी लंबा होने वाला है। तो ये है ट्रेन ईरान का, और ईरान का ट्रेन डीजल से चलता है, मतलब गैस से या पेट्रोल से, जिससे भी चलता है, बट इलेक्ट्रिक से तो नहीं चलता है। तो जिस तरह का ट्रेन है यहाँ पे, तो मैं हूँ स्टेशन के बाहर और यहाँ पे है मछली बाजार लगा हुआ और काफ़ी सारे टैक्सी वाले, शेयर टैक्सी वाले चिल्ला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, तो मैंने स्नैप बुला लिया है, स्नैप आ रहा है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा अभी बंदर अब्बास के पोर्ट में है और वहाँ से मैं किश्म आइलैंड जाऊँगा। तो किश्म आइलैंड के लिए मुझे फेरी लेना पड़ेगा, तो फेरी का क्या रेट है, कितना टाइम लगेगा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो यहाँ से पहले बंदर अब्बास पोर्ट पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे सारा देखते हैं कि क्या है, क्योंकि मैं काउचसर्फिंग कर रहा हूँ किश्म में, तो और जो मेरी होस्ट है वो किश्म में रहती है, तो यहाँ से अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, 2 घंटा समझ लो मुझे किश्म पहुँचने में। सलाम, हिंद हिंद, आई विल पुट माय बैग हियर। सलाम सलाम भाई, अभी कितने गुड गुड खूबी 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 यू मैं फारसी रंग बेजूर सो बात में कोना तुम मुझे इंग्लिशी फारसी नो हिंदी हिंद हिंद हां ये तो वहां मैं आशिक हिंद शाहरुख खान सलमान खान यस आमिर खान बहुत फेमस है यहां पे ईरान में, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन मैं इत्तेफाकन हमें हिंदी और ये लहजे बोलते स्नैप आ गया है। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 50 रुपये के आसपास, और यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर है मेरा पोर्ट, तो ठीक है। करिश्मा कपूर हम खूब है खूब है हाँ करीना कपूर खोहरान खो भैया हमारे इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स बहुत फेमस है ईरान में और एक्ट्रेस भी। शाहरुख खान का फेवरेट है और सही है, करीना कपूर भी इनको पसंद है। तो अभी वॉरेन डुवान इन्हें नाम क्या लगता है जो हमारे चाहिए, टाइगर श्रॉफ बाप रे वो भी फेमस है यहाँ पे। सही है, और अभी मैं पहुँच गया हूँ बंदर अब्बास में, तो बंदर अब्बास को पोर्ट कैपिटल भी बोला जाता है। बंदर अब्बास कैपिटल है होर्मुज़गंज स्टेट का और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी है ईरान में, और यहाँ से जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो शिप जाता है वो यहीं से जाता है। और एक और है बट वो बंदर ले गए हैं, पर ये वाला जैसा है सबसे बड़ा पोर्ट है ईरान का। और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ भी है जो बहुत ही स्ट्रेटजिक पोजिशन में है, वो
कर्व, अगर आपको उसके बारे में जानना तो आप पढ़ लेना स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ईरान के लिए और पर्शियन गल्फ के लिए। अभी फिलहाल तो मैं साउथ ईरान में आ चुका हूँ, एकदम साउथ में, और यहाँ से दुबई बहुत सामने है। मैं पहुंच गया हूं पोर्ट में, मतलब अब यहां से थोड़ा चलना पड़ेगा अंदर की तरफ, और यहां पे बहुत सारे बग्गीज भी हैं, अगर आपको बग्गी में जाना है तो बग्गी में भी जा सकते हो। पता नहीं बग्गी का कितना चार्जेस है, पर अभी मैं सोच रहा हूं कि चल के जाऊंगा। और इस तरफ जो आप नीला पानी देख रहे हो ये पर्शियन गल्फ है। तो कुछ टाइम पहले मैं ये दुबई से देख रहा था ईरान की तरफ, अब ईरान से देख रहा हूं मैं दुबई की तरफ, तो इस तरफ स्ट्रेट दुबई है, तो मैं इतना नीचे आ गया हूं। तो अभी मैं बंदर अब्बास में हूं और जा रहा हूँ कैश्म आइलैंड। ये पोर्ट है शाहिद एगान मरीन पैसेंजर टर्मिनल, और यहाँ से मुझे टिकट लेना है कैश्म का। तो और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये बंदर अब्बास शहर है। I'll take this. I'm sorry. टर्मिनल ए, ओके बाय। तो मैंने टिकट ले लिया है और टिकट पड़ गया है 450 रुपये का, तो एक घंटा लगेगा यहाँ से मुझे कैश्म आइलैंड पहुँचने में, और टर्मिनल 8 से मेरा जो फेरी है वो निकलेगा। तो मैं अपने टर्मिनल में आ चुका हूँ, तो अभी वेट करते हैं कितनी देर में निकलता है कैश्म। सलाम। तो ये है जटी नंबर 8, ये पूरा थाईलैंड का याद दिला रहा है मेरे को। और ये है आप जो समुंदर देख रहे हो, गल्फ ऑफ थाईलैंड। सलाम। तो यहाँ पर टिकट में 12,50,000 रियाल है, जो 1,25,000 तुमान हो जाता है, जो 450 रुपये है। Which one? Okay, thank you. तो अब मैं आके शांति से बैठ गया हूँ, अंदर एसी चल रहा है, और ये जेटी बहुत सुंदर है और बहुत लग्जरी है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह का दिखता है, काफ़ी सुंदर है, और टीवी वगैरह चल रहा है, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि थाईलैंड की तरह यहाँ पे मतलब बैग सामने के ऊपर फेंक के नहीं रखते हैं, तो बैग मैंने पीछे अपना मतलब बड़ा वाला रख दिया है, और मैंने अपना ये छोटा वाला बैग लेके यहाँ पे मैं बैठ गया। यहाँ से 1 घंटा लगेगा पहुँचने में।